अनवकाश का प्रतिमेय ब्रह्म ही अविक्रिय विकार रहित ब्रह्म जिसको लेकर जिस भाव को आपको पहुँचाया गया उस भाव में विधि निषेध अधिनय और विधि निषेध का दिनों करके चाहे लौकिक व्यवहार हो चाहे वैदिक व्यवहार दोनों का एक अवकाश नहीं है ज्ञान अनुपादान अनवकाश आप किसी का नाम जानते इसके बारे में उन्होंने पूछा वो वस्तु जितना संसार में विषय रूप में ग्रहण करने जो को वस्तु है उससे भिन्न है। यदि कोई वस्तु है उसका तो ग्रहण होना चाहिए तब तो ग्रहण नहीं है ना। जितना संसार में जानने जो ग्रहण करने जो को वस्तु है अन्न देवता दे विधि विधि का तो जाने हुआ वस्तु ग्रहण करने जो को वस्तु वो नहीं है तब तो उसको मतलब इससे क्या दिखाया कि जो विदित वस्तु होता है वो परिच्छिन्न होता है वो नाशवान होता है स्टैचू होता है। जो विदित वस्तु होता है वो परिच्छिन्न होता है वो विकारी होता है वो नाशवान होता है इसलिए स्टैचू होता है। तो क्या हो गया अन्न देवता विदिता को विदित वस्तु से भिन्न है यानी कि स्टैचू वस्तु से भिन्न है देव से भिन्न है भिन्न है। फिर तब क्या हो गया जब त्याज्य वस्तु के भिन्न है किंतु उसको तो ग्रहण नहीं हो रहा है फिर आगे क्या बोला अविदिता अधि मतलब नहीं जाने हुए वस्तु से भी वो भिन्न होगा। नहीं जाने हुए वस्तु क्या होता है कि जो जो मतलब व्यापक होता है अभिकरण होता है नहीं अथवा है नहीं कुछ मतलब इससे भी वो भिन्न है इससे भी वो भिन्न है मतलब जाने हुए से भी भिन्न नहीं जाने हुए से भी भिन्न जाने मतलब विषय रूप में इसको प्रयोग नहीं किया जा सकता है परंतु अपरक्ष रूप का अनुभव जो होता है ग्रहणीय वस्तु नहीं अनित्य ग्रहण हो रहा है इसका प्रतिबोधन विधिन मतलब गाली जाता अपने आप ही बोलते हैं प्रत्येक बोध के साथ उसी का बोध हो रहा है वही तो भगवान भाष्यकार ये अन्नदेव विदिता अथ और विदिता अति गुहा में लिखा है कि हेय और उपाधेय दोनों ही नहीं है हेय उपाधेय उसी बात को व्यक्त करो यहाँ पे ग्रह नात्र उत्सर्ग तत्र मतलब उस व्यापकता के भाव में पूर्णता के भाव में कोई त्याग भी नहीं होता कुछ ग्रहण भी नहीं है ना। ग्रहण मतलब उत्सर्ग उत्सर्ग मतलब सिद्धांत अभंडन अर्थ में भी आता है उसको त्याग कर देना। अब जब आपके लिए आपने निश्चय हो गया मेरे लिए संसार में कोई जो वस्तु ग्रहणीय भी नहीं है कुछ त्याज्य भी नहीं है कुछ खोऊंगा भी नहीं कुछ पाऊंगा भी नहीं इसकी चिंता करेंगे इसी के लिए तो चिंता होती है ये मिल जाए अथवा मेरा तो खो जाए कैसे उसको रक्षा करो यही दोनों चिंता कारण कहीं भी किसी को देखेंगे या तो ये मिल जाए अथवा मिल गया तो उसका रक्षा कैसे परंतु जब वो जो है ग्रहणीय भी नहीं है और त्याज्य भी मतलब पदयोग भी नहीं है हयो भी नहीं है तब चिंता तो कुछ रहा ही नहीं हमारे पास इसलिए बोलते हैं चिंता यंत्र जिस विषय में वो चिंता होना संभव नहीं होता मन आप है बाहरी विषय संभव चिंता
क्या होता है जो मतलब ज्ञान काल कल बोला था ज्ञान यदि अनेन इति ज्ञान बुद्धि को लेकर के बोले तुम्हारे तब बुद्धि क्या होता है आत्म संस्थम तदा ज्ञान ज्ञान का बाहरी विषय नहीं है आत्म के स्वरूप के साथ संबंध एक होगा कि विद्यमान है आत्म संस्थम तदा ज्ञानम ज्ञान मतलब यहाँ पे ज्ञायते इति ज्ञान है ना जिसको जाना जाता है पाया जाता है और ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम जिसके द्वारा बुद्धि के द्वारा जानते हैं जिसके द्वारा आप जानते हैं दोनों अर्थ में लेकर के आप क्या क्या होगा कि इस प्रकार की जो ज्ञान है वो कहाँ बैठा रहता है तो स्वरूप नहीं होता आत्मसंस्थम आपको स्वरूप है साथ ही होते भी आत्मसंस्थम लगा बस जब ज्ञान आप बाहरी वस्तु को नहीं जानते हैं अजाति मतलब जन्म में बाहरी को भिन्न वस्तु है नहीं थे अजाति उसको जन्म बंद हो गया कोई जन्म नहीं देता समता प्रथम जन्म नहीं मतलब कोई वृत्ति उठना बंद हो जाता है तो समान भाव को प्राप्त कर लेते हैं समता प्रथम है तो अजाति समता प्रथम जन्म नहीं देख समता की भाव को प्राप्त करते हैं ऊपर नीचे विक्षेप विधान का कुछ भी भाव नहीं रहते मैं शुद्ध आपके स्वरूप में देते हो समभाव में पूर्णता के बाद टीका में देखिए इसका श्लोक को पहले अर्थ करते बोल दिए थे कि क्योंकि ये जो है इसे अपूर्ण है ये असंग है ये व्यापक है इसलिए इसका ग्रहण भी नहीं होगा इसका त्याग भी नहीं होगा ठीक है ना अब जो है मनो विषय तो अभाव तो मन जो है इसको ग्रहण भी नहीं कर सकता मन से आप इसको त्याग भी नहीं कर सकते मन से ग्रहण भी नहीं कर सकते उस प्रकार मैंने भी बाहर वस्तु उसको मन से ग्रहण किया मेरा है फिर ग्रहण नहीं आ गया जहाँ ये पहला इसका अवशिष्ट मन हटा दिया कोई विषय को कोई वस्तु नहीं परंतु इसका न मन से ग्रहण होता है और न मन से त्याग होता है इसलिए आगे क्या बोलते हैं कि मनो विषय तो अभाव मन की विषय की अभाव मन विषय की नहीं बनते इस कारण से जब ब्रह्म ने त्रयोर अवकाश नास्ति ब्रह्म में तय मतलब हान त्याग हो हान त्याग हो हानि त्याग तो अवकाश होना उसका अवकाश नहीं है क्योंकि जब किसी का खोने का और कोई चीज पाने का दोनों ही चिंता मन से निकल गया आपको चिंता कुछ रहा ही नहीं गया इसलिए बोलते हैं वहाँ पे चिंता यत्र न विद्यते चिंता भी इसी के लिए होता है योगक्षेम के लिए मतलब ये मिल जाता उसका लक्ष्य कैसे हो तब चिंता यत्र न विद्यते जब तो ब्रह्म ही ज्ञाते इस प्रकार ब्रह्म को जान लेने पर फलितम अहम क्या स्थिति है ना मन का बुद्धि कैसे आत्मसंस्थम बस अपने में स्थिर है ना आत्मसंस्थम तथा ज्ञानम है ना यहाँ पे आत्मगत बुद्धि के विचार मन की संकल्प विकल्प एक आत्मा को आश्रय करके ही नहीं जाता है क्या स्थिति होगी आत्मा का आश्रय अजाति क्षमता कोई वस्तु की उत्पत्ति ये है वहाँ पे क्या हो इस प्रकार कोई व्यक्ति मन नहीं हो अजन्म रहित हो जाता है ना क्योंकि उनको समता की भाव को प्राप्त होते पूर्ण धन समता की भाव को प्राप्त होते अजाति क्षमता अब जो है भाष्यकार देखिए भाष्यकार भी ठीक है तो बोलता नहीं प्रकरण आदो प्रतिज्ञा तो उपसंहर की प्रकरण शुरू में क्या किया था पहला श्लोक के ऊपर प्रकरण की यथा न जायते अतो बक्षामि अकर्पण्यम् अजाति क्षमता पहला श्लोक पहला या दूसरा अतो वक्षामि अकर्पण्यम् अजाति क्षमतां गतम् यथा न जायते अकृपणता क्या है वो मैं बताऊंगा अकृपणता क्या है भेद देखने की कृपणता है जन्म होना मरना ये देखने की कृपणता है और जो भेद नहीं देखना जन्म मृत्यु नहीं है वास्तविक सृष्टि हुई नहीं शुद्ध आत्मा है विद्यमान ये समझना ये हो गया अकृपणता अरे ये कहाँ से लाया आपने ये कहाँ से लाया हम तो जानते हैं कृपण मतलब कंजूस कंजूस मतलब जो अपना माल पानी होते हुए भी अपने आवश्यक में खर्चा नहीं करता और आप यहाँ भी इसको ऐसे कैसे कृपण बोल दिया मतलब हमने नहीं बताया शास्त्र ने वेदांत उपनिषद ने बताया भगवान श्री कृष्ण ने भी बताया भगवान भाष्यकार मांडव्य को कालिका को अपने आप नहीं बताए जो कोई गार्गी एतत् अक्षरम अभिहित अस्मात् लोकात् प्रैति सकृपणम् अथर्यते विदित प्रैति स ब्राह्मणम्
ब्राह्मण अब अभिमान करने वाले को भी देखिए कैसा उपनिषद ने बता दिया कि ब्राह्मण अब किसको कहते हैं, जो कोई अक्षर अभिदित अस्मात लोका, जो व्यक्ति इस मनुष्य शरीर को पाने का बावजूद भी इस अक्षर तत्व को नहीं जानकर शरीर छोड़कर चला जाता है ना, वो तो कृपण है। कृपण है मतलब कि भगवान ने शरीर को दिया था इस उपयोग के लिए, इतना अच्छा धन दिया था। मनुष्य चोला सबसे अच्छा धन है और उसी धन से ही आप इस चोला से मुक्त हो सकते हैं, परंतु हम क्या करते हैं, एक के बाद एक नया कपड़ा पहन के जाते हैं। इसलिए आप बोलते हैं यही कृपणता है। वहाँ पे प्रतिज्ञा दिया था, अतो बक्षा में अकार पन्नम अजाते समतम गतम यथा न जायते किंचित, देखिए और जायमान समन्त तो सामने वस्तु उत्पत्ति अथवा नाश दिखाई देने पर भी विवेक क्या रहेगा, कुछ उत्पत्ति हो ही नहीं रहे, प्रतीति मात्र है, प्रतीति मात्र शुद्ध चेतन में ऐसा होना संभव ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे प्रश्न किया ना, प्रकरण आदो प्रतिज्ञा तो मुखशंकर थे, प्रकरण के शुरू में जो प्रतिज्ञा किया था हमारे यहाँ पे क्या सिद्धांत क्या था, कैसे वस्तु को प्रतिपादन करते हैं, प्रतिज्ञा मतलब यहाँ पे ये है प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए हेतु उपनय निगम, ठीक है ना, पांच अवयव है मतलब प्रतिज्ञा दृष्टांत दृष्टांत प्रतिज्ञा हेतु दृष्टांत उपनय निगम, ठीक है ना। तो आपने प्रतिज्ञा किया तो आपको वक्ष अकार पत्र में प्रतिज्ञा का तो आपके बनाता क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या है आपके मतलब अजाति क्षमता, ठीक है ना, जहाँ पे जन्म नहीं हुआ सृष्टि होना संभव नहीं है, इसको यदि आप समझ जाते हैं तो आप बौद्धिक दृष्टि यहाँ पे यहाँ जो कृपणता बता रहे बौद्धिक कृपणता आपके बना बौद्धिक दृष्टि से आप कृपण नहीं है। और भगवान श्री कृष्ण ने कृपण फल ही तब ये कर्म दोनों में भिन्नता नहीं है कि कर्म के फल चाह करके जब तक कर्म करता रहेगा तब तक अंतकरण शुद्ध होगा नहीं तो आत्मबोध कैसे होगा, यही कृपणता है, एक कृपणता है। फल जो होता है क्रिया कारक फल भेद दृष्टि रहता है, जब तक ये भेद दृष्टि रहता है वही कृपणता है, अभेद दृष्टि आता है वो अकृपणता है, पूर्णता है। इसीलिए जो मैंने प्रतिज्ञा करके प्रकरण आदो प्रतिज्ञा तो उपसंहरति अजाति अतो बक्षा में अकार बन्नम अजाति समतांगतम, बस इसको उपसंहर किमिति, टीका किमिति लौकिको वैदिको व गृह उत्सर्गो ब्रह्मणे न भवत तत्र आह अभ्यासु, ये लोग व्यवहारना में दिखाई पड़ता है इसको ले उसको लो उसे उठाओ ले जाओ, ये सब के व्यवहार यहाँ पे ब्रह्म में क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, चाहे लौकिक दृष्टि से हो चाहे शास्त्रीय दृष्टि से, क्यों नहीं हो सकता है। कि लौकिको वैदिको है ना, ये ग्रह उत्सर्ग है ना, उसका विषय है ना, चाहे ग्रहण और दैत ग्रहण और दैत ये दोनों जो है लौकिक दृष्टि से हो चाहे वैदिक दृष्टि से हो, ब्रह्मणि न संभवति व्यापकता में संभव नहीं है, ब्रह्मणि मतलब व्यापकता में इस प्रकार ग्रहण और त्याग दोनों संभव नहीं है, तो व्यापकता का शब्द का अर्थ ही सिद्ध नहीं होगा, पूर्णता का अर्थ सिद्ध नहीं होगा। क्योंकि यदि मान लीजिए कोई वस्तु को ग्रहण करने वाला कोई दूसरा व्यक्ति रहेगा तो वो वस्तु इसके तरह परिच्छिन्नित हो गया तब ये पूर्णता है नहीं, पूर्णता है नहीं, मैं इसको ग्रहण कर रहा हूँ यानी कि मैं परिच्छिन्न वस्तु और जब पूर्णता में है यदि कोई इसको ग्रहण करने वाला होगा तब क्या होगा, पूर्णता होने के परिच्छिन्न होगा। इसीलिए आप बोलते हैं कि लौकिक वैदिक होगा ग्रह उत्सर्ग ब्रह्मणि न भवत ग्रहण अथवा त्याग इस व्यापकता में होना संभव, ब्रह्मणि मतलब ये नहीं समझना कोई वस्तु पूर्णता व्यापकता की भाग्य ब्रह्म बना जाता है, ब्रह्मणि न भवत ब्रह्मणि में कौन सा प्रातिपदिक है क्या विभक्ति है जी, ब्रह्मण विभक्ति सप्तमी सप्तमी है न भवत तत्र आहुति अभाष्य यस्मात् ब्रह्मैव समाधि अचल अभय। इसके पहले श्लोक में क्या बोला, ये व्यापकता की भावी जो है यथार्थ स्थिरता है, समाधि मतलब स्थिरता एकाग्रता समाधि, इसीलिए वहाँ पे कोई अचल कोई गति आगति नहीं है और यही स्थिति भय रही स्थिति है। किंतु ये पहले कह कर क्या है समाधि अचल भय इति उक्तम ही कह कर क्या, अतः
इसलिए न तत्र मतलब तस्मिन् ब्रह्मणि ऊपर ऊपर जो ना ग्रह न तत्र तत्र शब्द का तत्र उस ब्रह्म में है ना जो समाज स्वरूप होते ब्रह्म में ग्रह मतलब ग्रहण मतलब उपादान ग्रह मतलब यहाँ पे जो राहु शनि राहु के लिए ग्रह नहीं बोलते हैं ग्रह मतलब यहाँ पे ग्रहण चलाया करके बोला मतलब उपादान मतलब ग्रहण करिए ये और उत्सर्ग मतलब उत्सर्जनम है ना इसे सत्य बंद सर उत्सर्जनम मतलब हान अत्याग कर देना इस धातु का बड़ा विचित्र है वो टू क्रिएट अर्थ में भी आता है टू अबंडन अर्थ में भी आता है एक ही धातु सिक्स्थ कंजुगेशन के धातु है उदादिगत के धातु है ये दोनों अर्थ में होता है मतलब टू क्रिएट टू अबंडन दोनों अर्थ में आता है इसलिए आप इसको अबंडन अर्थ में ले रहे हैं न उत्सर्ग उत्सर्जनम हान बा न विद्यते उसको त्याग करना उत्सर्ग मतलब फेंक देना अलग कर देना हान वहाँ पर व्यापकता नहीं होना संभव नहीं है क्यों नहीं है हेतु व्यक्त ही विक्रिया तद विषयत्म बा तत्र हान उपादाने स्याताम ठीक है ना जहाँ पे वस्तु विकारी होता है जहाँ पे वस्तु विकारी होता है अथवा विकार का विषय बनता है अपने आप विकार होते हैं अथवा कोई इसको विकार कर अपने आप में परिवर्तन होना और किसी निमित्त से परिवर्तन इसलिए बोलते हैं विक्रिया अथवा तद विषयत्म बा विक्रिया के विषय अपने आप तो विकार नहीं होता परंतु कोई किसको अपीत पाठ के विकार करते हैं इसलिए बोलते हैं यत्र ही विक्रिया तद विषयत्म बा विक्रिया की अथवा विक्रिया के विषय जो होता है इस पर जहाँ पे है वहाँ पे तो हान उपादान शाम इस प्रकार बाजार से आपने हल्दी लाया हल्दी लाए उसको आप विकार विकार करते हैं कि नहीं किस पास के पाउडर बना देते हैं है ना तो एक उसका विकार हुआ जिस प्रकार की वस्तु अपने आप में विकृत नहीं हो रहा आपने उसको बीच के विकृत कर दिया तो यत्र ही विक्रिया जहाँ पे विक्रिया होना संभव है विक्रिया अपने आप भी कैसे होता है पहले कच्चा वस्त्र में रहता है सूख कर पक्का हो जाता है या अपने विक्रिया हो जाता है परिपक्व होता है तद विषय आप उसको दूसरे किसी ने उसको पीस कर पाउडर बना दिया वो विक्रिया विषय बन गया तत्र उस स्थान में तो हानो उपादान श्याम वहाँ पे हल्दी खराब है नहीं लूंगा अथवा अच्छा है तो दे दो वहाँ पे तो हान उपादान नहीं लूंगा उसका त्याग कर दिया ठीक है ये हमारे काम क्या था उसको ले लेते हैं तो जहाँ पे इस प्रकार विकार आदि होना संभव है वहाँ पे तो हान उपादान होना संभव है श्याम न तद्वयमिह ब्रह्म नि संभवति ये दोनों ही इस ब्रह्म में इस व्यापकता की पूर्णता के भाव में ये दोनों ही संभव नहीं है दोनों ही संभव नहीं है ठीक है मैं एक पांच नंबर टिप्पणी लिखने कर रहा हूँ जब तक ही विक्रिया तब विषयत्म बा आपके पुस्तक में पांच नंबर टिप्पणी कहाँ है विक्रिया 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 में क्या बोलते हैं विक्रिया मतलब परिणाम कितना परिणाम तद विषय तब च मतलब तब योग्यतम परिणाम परिणत होने का योग्यता जिसमें विक्रिया मतलब परिणाम अपने आप में परिणत होता है और परिणत होने का योग्यता भी रहता है क्योंकि जैसे धान गेहूं आदि वो क्या होता है आपने बोया मैदान में पका तो थोड़ा थोड़ा करके पहले वो अपने आप में परिणत होकर के फिर चावल में आ जाता है फिर उसको पका करके और परिणत किया जाता है मतलब वो अपने आप ही परिणाम ही है और परिणाम होने का योग्यता भी है उसमें परिणाम का योग्यता भी है इसी नाम बोलते हैं विक्रिया परिणाम तद विषय तब चम परिणाम विक्रिया विक्रिया के विषय इति बोधम ऐसा यहाँ को समझना चाहिए ठीक है पाँच नंबर टिप्पणी विषय अभिक्रिया तद विषय तम्बा तत्र हान उपादान जहाँ पे ये दोनों होना संभव होगा वहाँ तो ग्रहण अथवा त्याग हो सकता है न तद्वय विह ब्रह्म नहीं भर सके शैतान की बात कोमा लगा दें समझ में आ जाएगा जत्र ही विक्रिया तद विषय तम्बा तत्र हान उपादान शैतान क्रिया पद लगा दिया पंक्ति पूरा हो गया न तद्वय विह ब्रह्म नहीं संभव है दोनों ही हान उपादान दोनों ही ब्रह्म में होना संभव नहीं है न तद्वय ब्रह्म नहीं संभव होती ब्रह्म में होना संभव नहीं है अब क्या बोलते हैं विक्रिया हेतु हो विकार हेतु हो अन्नस्य अभावात है ना विकार होता क्या है विकार कौन करते हैं इस प्रकार मान लीजिए आप मैं खेती में जो आपने धान बोया उसमें विकार उत्पन्न कौन करता है चंद्रमा सूर्य चंद्रमा उसमें शोकरस देखते हैं उसको कटाते हैं तो उससे भिन्न वस्तु के द्वारा विकृत होते हैं फिर उसको जब लाख घर में जाके पकाते हैं तो पकाने वाले उसको पकाते हैं इसलिए मतलब विकार हेतु हो मतलब विकृत करने के लिए जो कारण है
बेकार के लिए होता है। अन्न सभावा दूसरा तो कोई है उसको विकृत करेगा विकार इसलिए होता है विकार हेतु और विकार के जो हेतु होता है विकार के लिए जो कारण होता है वो कारण कुछ यहाँ है नहीं। अन्न सदय के अभाव होने के कारण अन्न सब कुलाल आदे प्रकार मृत्यु का को विकृत करके हरा बना देते हैं उस प्रकार यहाँ के जो है कोई निमित्त उपादान दोनों ही नहीं है यहाँ पे कुछ लिए होता है विकार हेतु अन्न अभाव भिन्नता के अभाव होने के कारण दूसरा क्या है निरवयत्व ये सब सात अवय वस्तु में विकार होना संभव है नीर अवय वस्तु में विकार होना संभव है ठीक है ना। दो कारण दे दिया क्यों ब्रह्म में विकार हान अथवा उपादान होना संभव नहीं है पहला कारण क्या है द्वैत के अभाव में कोई पुष्ट ग्रहण करने वाला त्याग करने वाला उस कभी है ही नहीं। दूसरी बात क्या है कि कोई अवय नहीं नीन अवय वस्तु में इस प्रकार हान उपादान इस प्रकार ठीक है पूरा कमरा जो है भरा हुआ है रूल से भरा हुआ पूरा कमरा ठीक है ना आपको मैं वहाँ से आप कोई चीज ले सकते इस पूरे कमरे में आकाश भी है आपको मैं बोलूँ थोड़ा आकाश में आके दिखाऊं मेरे दिखा सकते हैं रूल भरा है कमरे में आप थोड़ा सा रूल से ला करके मेरे को दिखा सकते आकाश भी आकाश उठा सकते हैं नहीं क्यों आकाश नहीं अवय रूल सावय इसीलिए आपको बोलते हैं विकार हेतु अवय विकार करने के लिए उपादान कारण विकार उत्पादन करने के लिए निमित्त कारण चाहिए वहाँ का अभाव है उसका इसलिए एक नंबर टिप्पणी कुलाल आदि तीव्र निमित्त अभाव अतः न तत्र हानो उपादान संभवतः है ना अतः न तत्र हानो उपादान संभवतः इसलिए वहाँ पे हान और उपादान ग्रहण अथवा त्याग दोनों ही विवचन है इसलिए हानश्च उपादानश्च हान उपादाने इधर उधर दंदश मंदिर इसलिए क्रियापद क्या है संभवतः भवति भवत विवचन है इसलिए संभवतः। अच्छा ये बताओ ऊपर में लिखा है शतम न तद्वयम् इह ब्रह्मणि संभवति और यहाँ पे क्या गया अत न तत्र हान उपादाने संभवतः वहाँ पे एक वचन क्रिया प्रयोग किया यहाँ पे एक वचन प्रयोग किया तो वहाँ पे एक वचन क्रिया की कर्ता कौन है ना ना उस कुछ वाक्य में जो है वो लिख दिया है ब्रह्म तो शब्द में विभक्ति में प्रयोग किया ब्रह्म तो शब्द में विभक्ति में प्रयोग किया उसे ठीक से ध्यान दीजिए उस वाक्य में देखिए आप यहाँ पे न तद्वयम् ये द्वयम का क्या करता है वो दोनों एक वचन में प्रयोग करता है और दो दूर दोनों को एक द्वयम है ना दो बीच से द्वय बनता है द्वयम वो दोनों ही वो अक की करता है न्यूट्रल जेंडर में प्रयोग किया ब्रह्म ने संभव थी वो दोनों इसलिए उसे एक वचन में प्रयोग किया द्वयम है ना यहाँ पे एक वचन में प्रयोग किया इसलिए यहाँ पे क्रियावाचक एक हो गया और यहाँ पे दोनों को एक साथ समझ करके द्विवचन में रखा हान उपादान यही तो आपने बोला हानस्य उपादानस्य हान उपादान तदेव द्वयम वहां तो ही बोलना चाहते उसी मत बात की करते द्वयम इसलिए यहाँ पे द्वयम न संभवती अतः न तत्र हान उपादान संभवतः इसलिए वहां पे कोई चीज की ग्रहण अथवा त्याग दोनों में क्योंकि ब्रह्म नहीं वहां पे ब्रह्म तो शब्द नहीं एक वचन में यह शब्द नहीं होता है तत् वो दोनों वो दोनों ब्रह्म में होना संभव नहीं है दोनों एक वचन में तो अत शब्द का अर्थ कर दिया उभय अभाव उभय मतलब दोनों का अभाव होने के कारण वहाँ पे तो दो दोनों को है वहाँ पे विकार हेतु अन्नस्य अभावात् निरवयवत्वात् च उभय आपको जहाँ पे पंक्ति है उसका आगे देखिए अतः 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 इसलिए टिप्पणी का क्या लिखता है अतः मतलब उभय अभाव उभय से क्या लेंगे विकार हेतु अन्नस्य अभाव दूसरा नि अवयवत्वात् च न तत्र तत्र मतलब क्या बोलते हैं यहाँ पे जो उभय उभय अभाववति ब्रह्मणि ये हो गया तत्र सत्य है ना ये दोनों के अभाव वाला ब्रह्म में है ना दोनों के अभाव वाला ब्रह्म में है ना ये
वत बना करके फिर शब्द में एक वचन ब्रह्मणि इत्यादि को भाई अभाव होती ब्रह्मणि दोनों की अभाव बढ़ा दोनों का हमारा मतलब ब्रह्म से भिन्न कोई वस्तु भी नहीं है और ब्रह्म निर अवयव भी है इसलिए उसका हान उपादान दोनों होना संभव नहीं है। अब जो है जब हान उपादान मतलब ग्रहण त्याग दोनों ही होना संभव नहीं है तब किसी बात की चिंता भी नहीं निश्चिंत होकर के बैठा रहे। यदि आप जानते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है तो ना उसकी रक्षा करने की इच्छा और मन निश्चय हो गया कि उनका आवश्यकता नहीं है इसलिए चिंता यंत्र ना विद्यते प्रत्यत उस अवस्था में आकर उस ब्रह्म व्यापकता की स्थिति में आकर के देखिए यहाँ पे एक जगह पे तत्व बोला एक जगह पे जत्र बोला जत्र संबंध ठीक है ना। यानी कि जिस अवस्था में आकर के इस प्रकार से हान उपादान नहीं है उस अवस्था में चिंता भी नहीं। हम क्या सुंदर शब्द बोले हम भी यदि आप अपने मन से मेरे को संसार से कुछ ना लेना है ना मेरे को कुछ खोने का डर है ये चीज़ आप मन को पक्का करके समझा देंगे तो मन को दुश्चिंता की जगह नहीं है चिंता की जगह नहीं है तो क्या करेगा भगवान विराट को सोचने का जगह ही नहीं है कि मुझ आपको कोई चीज के पाने की भी इच्छा नहीं खोने का भी डर नहीं है क्यों आप जानते हैं कि भगवान की हाँ जब जैसे आवश्यकता तो वह अपने आप हमारे लिए दे रखा है अच्छा ला के भोग के ला के देते हैं तो क्या कर देगा इसलिए चिंता करना एक पहला दूसरा क्या है अरे मैं तो शरीर हुई नहीं शरीर के लिए आवश्यकता आत्मा के लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं है अपना अपने आप को भोग रहता है हर प्रकार से चिंता भी चला जाता है इसलिए चिंता जत्र न विद्यते है ना किसी भी प्रकार की चिंता और संबंध नहीं सर्व प्रकार चिंता न संभव थी जब तक है ना जिस अवस्था में आकर के चिंता होना संभव ही नहीं रहता है सर्व प्रकार चिंता न संभव थी जब तक क्यों अमनस्वाद ये अमनस्वाद कैसे हुआ था आत्मसत्व अनुबोधे न ये अमनस्तव तदा जाति ग्राह्य भागे आत्मसत्व न चिंता के आत्मसत्व अनुबोधे न क्या है उस श्लोक को संसार में आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है अनुभव मतलब शास्त्रवाद को गुरु मुख से शास्त्रवाद को सुनकर के मनन निधि दर्शन के निश्चय करने का फलस्वरूप आत्मा सत्य अनुभव है ना है ना जब कोई विषय में मन संकल्प नहीं करता अमनस्कम तदा जाती मन को उधर समय मन अमन भाव को प्राप्त करता है कि ग्राह्य भावे तदा ग्रहण करने के लिए कोई वस्तु चिंता करने के लिए कोई वस्तु रह नहीं गया चिंता करने के लिए कोई वस्तु रह नहीं गया तब बोलेंगे महाराज चिंता नहीं है ये भी एक चिंता है क्या कर रहा है क्या सोच रहा है वही तो सोच रहा हूँ तो क्या बोल रहे हैं एक क्या सोच रहे हैं मैं बोले वही तो सोच रहा हूँ मतलब क्या सोचो यही सोच रहा हूँ चिंता नहीं है तो वो भी एक चिंता नहीं बना लेना चिंता नहीं है बस शांति से बैठा है बुढ़ापा में ऐसा ही होता है कोई चिंता नहीं है अभी एक चिंता सब ठीक ठाक चल रहा है बुढ़ापा ऐसे यहाँ पे सर्व प्रकार ही एक चिंता न संभव होती जब अमनस्वा मन अमन हो जाने का उतः तत्र हान उपादान है ना फिर वहाँ पे फिर हान अथवा उपादान त्यागना अथवा ग्रहण करना तुम ही काम से हो सकता है ग्रहण करने जब कोई ग्राह्य भाव है तब अग्रह ग्रहण करने जब कोई वस्तु है ही हम अपने आप ही पूर्ण आपको सभी में बुझाए नहीं इसलिए उतः तत्र हान उपादान जैसे को समझदेव यदैव आत्मसत्व अनुबोध जात है इसी से बताएंगे आत्मसत्व अनुबोध जात है ना जिस प्रकार आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है मैं ही एक पूर्ण सत्य वस्तु बाकी जो भी कुछ दिखाई देगा मेरे ऊपर कल्पित है ये भावना जब निश्चित हो जाता है तदैव आत्मसंस्था उस समय क्या होता है कि जो ज्ञान जिसके द्वारा वस्तु को जाना जाता है जिसके द्वारा वस्तु को हम जानते हैं जानने का कोशिश करते हैं तो वो कहाँ जाएगा बस अपने में ही रह जाएगा आत्मसंबंधित अपने में आत्मसंस्था वो ज्ञान अथवा बुद्धि आत्मा के आत्मा में संबंधित स्थित हो जाता है क्यों विषय अभाव
उनको चिंता करने के लिए कोई विषय है ही नहीं है। अग्नि उष्णवत अग्नि उष्णवत आत्मनि एव स्थित हो जाए। इस प्रकार इस लकड़ी में आग है और आग है तो उष्णता भी है, परंतु आप क्या है जहाँ तो उष्णता का अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आप में अपने आप किसी प्रकार बुद्धि वस्तु को जान रहा है, उस वस्तु को जान रहा है। आप निश्चय कर लिया, अरे मैं ही अकेला कौन हूँ, हमसे भिन्न कुछ है नहीं, तो किसको जाने, कैसे जाने, क्यों जाने। इसी कारण बुद्धि को क्या होता है अपने में छूट जाता है, अपने में छूट जाता है। इसलिए अपने कृष्णवर आत्मा ये व्यवस्थित अपने अपने स्वरूप में व्यवस्थित हो जाता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। सीधा ज्ञान हो ज्ञान इस समय चार नंबर की प्रश्न बोलते हैं, देखिए अग्नि कृष्णवर अग्नि औष्णम ही धैर्य अभावे किन रहे, ठीक है ना, दहन करने जो वस्तु के अभाव होने के कारण वो अग्नि किसको जलाएगी, अग्नि किसको जलाएगी। इसलिए बोलते अग्नि औष्णम ही अग्नि की जो उष्णता है वो कहता है दाह्य अभाव है, क्यों अग्नि को जलाने की क्षमता, मतलब जलाने की क्षमता, दहन करने जो को वस्तु ही नहीं रहेगा किसको जलाएगा। इसी प्रकार ग्रहण करने जो को वस्तु ही नहीं रहेगा किसको ग्रहण करेगा, तो कहाँ रहेगा उष्णता, वो अग्नि के स्वरूप होकर के रहेगा। इसी प्रकार ज्ञान कहाँ रहेगा, आत्मा के स्वरूप होकर, यही पारमार्थिक स्थिति है। इसलिए हम बोलते हैं आत्मनि एव स्थितं भवति, यथा जैसे आपने अग्नि में ही रहते उसका दाही का शक्ति, इसी प्रकार ज्ञान आत्मा का स्वरूप है, कहाँ रहेगा अपने स्वरूप में रहेगा। आत्मनि एव स्थितं ज्ञानं प्रचितं, मतलब स्वरूप अवस्थम, अपने स्वरूप अवस्था में आ जाता है। ज्ञान हमारा स्वरूप है, बुद्धिपाति के साथ ज्ञान की क्रिया दिखाई पड़ते हैं, बुद्धिपाति के साथ ज्ञान की मैं जानता हूँ ये जाना वो जाना। अब जो है कि बुद्धि तक मिथ्या हो गया, बाहरी कोई वस्तु आपने बौद्धिक निश्चय कर लिया, हमें जानने जो संसार में कुछ है, एक आत्मा को जानना था वो तो बस सब निश्चय हो गया कि हमारे स्वरूप ऐसे है, परंतु क्या होता है कि बुद्धि ये जान वो जान के बाहरी कर लिया, तो कहाँ जाएगा जानने की बात, अपने स्वरूप होते रहता है, स्वरूप अवस्था में स्वरूप जो करते रहता है। ध्यान रखोगे आत्मसंस्थम तदा ज्ञानम। अब लास्ट पंक्ति लास्ट मतलब पाठ चौथा पाठ अजाति मतलब जाति वर्णितम, है ना, यहाँ पर जाति शब्द का दो अर्थ होता है, जाति मतलब कास्ट जन्म, आदमी से जाति मतलब जन्म, बचा आदमी जाति जन्म जन्म ज्ञान के। अब जो है एक तो भगवान भाषाकर बोलते हैं ये अजाति भाव में यदि आप आना चाहते हैं, मतलब जन्म रहित भाव में यदि आप आना चाहता है, तो जाति कुल नीति गोत्र दूर अनुदुर्गम, आपका जहाँ पे जाति नीति कुल गोत्र है उससे दूर हट जाओ। और फिर नाम रूप दोष गुण वर्जितम, जहाँ पे नाम नहीं है रूप नहीं है गुण नहीं है दोष नहीं है, देश काल विषयादि वर्जितम, देश काल वस्तु परिचिन ब्रह्म तत्वमसी भाव है, इस व्याकरण कथा की भाव नहीं पकड़ पा रहे बार बार इसलिए अजाति मतलब जाति वर्जित मतलब जन्म से नहीं होगा। अब जन्म नहीं है तो ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुक्र सब जाति भी कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगी अजाति। समतांगत मतलब परम साम्यमापन्नम भव, परम स्थिरता को प्राप्त कर लिया जन्म, अस्थिरता नहीं है मन, ये क्या होगा वो कुछ नहीं, बस आपने बोला साम्यम आपन्नम, साम्यम मतलब देखो बोलते हैं निर्विशेषत्म, विशेषता ही हमारे लिए परेशानी का कारण है, निर्विशेषता ही हमारी विशेषता है, हमारी विशेषता क्या है, निर्विशेषता ही हमारी विशेषता है, यही साम्य भाव के लिए हेतु होता है। समतां गतम परम साम्यम आपन्नम भवति, अब भगवान भाषा बोल रहे देखो ग्रंथकार जो पहले प्रतिज्ञा दिए थे बोले थे इस किस्म का द्वितीय श्लोक में बोलकर कहता अतो वक्षा में अकार पांडव अजाति समतम कथम जथा न जायते किंचित जायना समतम, ये वो यहाँ पे उपशंका करता है। हमारे यहाँ पे हमारी वक्तव्य मन वचन शैली ऐसा है, हम क्या बोलूँगा पहले प्रतिज्ञा कर दी हमारी विषय वस्तु, और विषय वस्तु को समझाने के लिए हम क्या करते हैं दृष्टांत हेतु देते हैं। फिर देखो यहाँ भी ऐसा ही है, अब जिसको हम समझाना चाहते हैं उस वस्तु को समझाने के लिए हमने दृष्टांत दे दिया, लेकिन अगर यहाँ भी ऐसा ही है ये उपनय
फिर क्या करते हैं निगमन। इसलिए ये भी वैसे ही ये हमारे वहाँ पे क्या बोला, इस प्रकार पहाड़ में आपको धुआं दिखाई दिया, अतः क्या बोला, प्रतिज्ञा किया ये पहाड़ में आग है, ये पहाड़ में आग है। तब हिंदू तो कहते क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है, जैसा आपने कैसे बोला कि पहाड़ में आग है, क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है। अच्छा तो धुआं होने से आग, हाँ हाँ, तब क्या होता है कि उपनय होता है। उपनय मतलब क्या होता है कि जैसे कहीं पर देखा था वैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। महानस आदि विरंधन सला आदि ने मैं पहले कई बार गया वहाँ पे धुआं देख कर गया, मेरे को अग्नि प्राप्त हुई। जैसा कहीं पे जा करके मुझे मतलब कुछ देख करके उसके साथ संबंध रखने वाला वस्तु प्राप्त हो गया, धुआं देख करके गया था अग्नि मिल गया। अब यहाँ क्या दिखाई दे रहा है, धुआं। इसलिए यहाँ भी अग्नि होना छोड़ दी, हमारी मतलब वचन शैली होती है, हमारी वचन शैली होती है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं जब आदो प्रतिज्ञातम अतो वक्ष्यामि अकर्मण्यम, ये जो पहले कह करता है ग्रंथ का दो नंबर में अजाति क्षमता दो नंबर की यह इति इदम तब उपवर्तित शास्त्र उक्तम उपशम दीयते। उसको क्या किया कि युक्ति शास्त्र संगत युक्ति के द्वारा उपपत्ति मतलब युक्ति और शास्त्र शास्त्र का आधार पर दोनों को मिला देंगे क्या शास्त्र संगत युक्ति के द्वारा सिद्ध करके अब यहाँ उसको संभाल। इस प्रकार हम बोले ना पहाड़ में आग है ये हमारी प्रतिज्ञा है, हमको उसको सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दृष्टांत देना पड़ेगा, हेतु देना पड़ेगा। हेतु हमने क्या दिखाया, यहाँ पे जो है धुआं है। अब दृष्टा तो जैसे महानस में, महानस में रंधनशाला, तो रंधनशाला में हम कभी भी गए वहाँ मुझे धुआं देख करके गए तो आँख प्राप्त हुई। इसीलिए हम भी पहाड़ में धुआं है तो आँख होना चाहिए, इसलिए आँख है। इसी प्रकार से हमने क्या प्रतिज्ञा किया था, अब तो बक्षा है अकारपन्न। अकारपन्न मतलब क्या है कि जब अजाति क्षमता जन्म रही क्षमता की भाव, यही हो गया अकारपन्न, है ना। जो सामान्य रूप विपणता का जो अर्थ होता है वो विपणता के अर्थ यहाँ पे नहीं, अपने आप ही ग्रंथ कर दिखाया। अकर्मण्य मतलब क्या होता है, अजाति समता मतलब जहाँ पे जन्म नहीं होता, इस प्रकार की समता की बात यही लगा तो मतलब इसका बोध ही अकर्मण्यता और जन्म और भेदभाव असमता की बात ये हो गया कृपणता, ठीक है, ये हो गया कृपणता। इसलिए आप बोलते हैं जब आरोप प्रतिज्ञा तो जब इस मतलब अद्वैत शुरू में प्रतिज्ञा किया गया था अंधकार के द्वारा क्या आरोप पक्ष आजादी समर्थन करते थे, इस प्रकार से इधम तक इस बोर्ड को प्रतिज्ञा को यहाँ पे उपवर्तित युक्ति के द्वारा हेतु के द्वारा शास्त्र शास्त्र के आधार पर भी है ना उत्तम जो खाना गया था उपसंग मतलब निगमन करते हैं निगमन उसके बोलते हैं तो युक्ति के द्वारा समझा करके बस यहाँ पे उसको मतलब समाप्ति करते हैं। सात नंबर टिप्पणी में क्या बोलते हैं उक्तम उपपादितम उसको युक्ति के सहित प्रतिपादन करके दिखाया गया, युक्ति से प्रतिपादन करके दिखाया गया उसको यहाँ पर उपसंहार करते हैं। अजाति हमारे दिमाग क्या है, भाव ये है कि अरे भाई ये कृपणा का शब्द लोक व्यवहार में क्या प्रयोग होता है, लोक में कृपणता मतलब क्या होता है कि आपका जूस है आपके पास वस्तु है आपने उसको प्रयोग नहीं किया, आप मतलब मक्खी जूस जब जितना भी होगा तो उससे भी वो जूस करके मक्खी निकाल कर तब उसमें तो ये इसका जूस तो उसमें प्रसिद्ध है। आपने यहाँ पे कैसा कार्य बोलते बोलते शास्त्रीय प्रयोग मतलब भिन्नत है, शास्त्र में इसी को अकृपणता कहा, शास्त्र में इसी को कहा वेदांत को पूछे इसी आगे बोलते हैं अजाति समताम गतम इति एकस्मात् आत्मसत्व अनुबोधात् कार्पण्य विषयम् अन्न, है ना, ये जन्म रहित समता की बात इसको छोड़ कर और ऐसा हुआ कैसा आत्मसत्व अनुबोध है, आत्मा ही एकमात्र सत्य वस्तु है, इस अधिष्ठान के ऊपर सारा नाम रूप आत्म विकार जगत दिखाई दे रहा है, इस दृढ़ निश्चय के फलस्वरूप क्या हो गया ये जन्म रहित समता की भाव ये आपको प्राप्त हो गया। इससे भिन्न जो भी कोई विषय है उसको उसको कृपण कहा जाता है, कृपणता कहा जाता है ना। इसलिए अजाति समतां गतम इति एतस्मात् आत्मसत्व अनुबोधात् इस प्रकार आत्मसत्व के अनुबोध से अन्य विषयम कार्पण्यम, ठीक है ना, उससे भिन्न जो वस्तु होते हैं वही कृपणता कार्पण्य विषयम अन्य,
है ना, इससे भिन्न करके कुछ देखना वही फिर बनाता है। और हजार की क्षमता मतलब कभी जन्म सृष्टि हुई नहीं, ये क्षमता है ना, क्षमता इस प्रकार के ज्ञान, इससे भिन्न ज्ञान मतलब अंदर मतलब इस जन्म हुई नहीं, भेद है नहीं, इस प्रकार के ज्ञान से भिन्न कोई नहीं ज्ञान, वही ज्ञान कृपण ज्ञान, वही ज्ञान 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 मतलब बौद्धिक कृपणता। आपको आर्थिक कृपणता, व्यवहारिक कृपा, बौद्धिक कृपणता, ये है बौद्धिक कृपण, इसलिए ज्ञान बोलने हैं। तो अंदर यदि ज्ञानम यदि शेष, इससे भिन्न किसी प्रकार के ज्ञान जो है उसको हम मतलब कृपण ज्ञान बोलते होते। और तथार्थ आपने अपनी बुद्धि को तथार्थ उपयोग नहीं किया, कैसे पता लगा आपको? उनका श्रुति ऐसा कहती है ना, युकस्मिन् आकाश ओतम च प्रोतम च इति एतद्वैतदक्षर ब्रह्मण अभिवदति गर्भिलस्तुल मनन मन सुमति कहसे करके बोलने के बाद फिर उपसंहार में जाकर जो वही एतद् गांधी अभिलिप्त अस्मात् लोकात् प्रैतिश कृपणम जब विदित प्रैतिश ब्राह्मण जाति कोई व्रत घटाना है, इसलिए ये हो गया हमारी ब्राह्मणत्व। क्या ब्राह्मणत्व है? इस समय आपकी व्यापक ब्रह्म जाना ब्राह्मण, ब्रह्म जाना जन्मना जायते शूद्र उपनयना द्विज भवे वेद अध्ययना भवे विप्र ब्रह्म जाना ब्राह्मण। अवधुत गीता है ना, जन्मना जायते शूद्र उपनयना द्विज भवे, दूसरा जन्म हुआ आपका, और वेद अध्ययना भवे विप्र, वेद अध्ययन किया, शास्त्र अध्ययन किया, अत्यंत विप्रता आया, ब्रह्म को जाना के लिए नाम है। फिर जब ब्रह्म को जान लिया तब हमारे अंदर ब्राह्मण जो वही अक्षर कार्य अविदित अस्मात्व का प्रति सब कृपण इति श्रुते, इस प्रकार श्रुति भाग कौन के कारण ये दुर्य अभिधारण 3-8-11 ठीक है। 9 नंबर मतलब यो वही एतद मतलब एतद आत्मज्ञान, इस आत्मस्वरूप बोध को नहीं समझते हुए, इस स्वरूप को नहीं जानते हे गार्गी अभिदित्ता है ना, ये गार्ग अभिदित्ता स्मार्त लोग इसमें मनुष्य शरीर को छोड़ कर चला जाता है ना, वो कृपण है, भगवान ने दिया था इस शरीर को अपने स्वरूप को समझने के लिए, बहुत ही योग्यता भी दी थी, पर काम उसका उपयोग नहीं किया। फिर इसको प्राप्त कर से क्या होता है? प्राप्त एतत् सर्वकृतकृत्य ब्राह्मणो भवति, इस स्थिति को प्राप्त करके उसका मन में अपना भी होता है कृतकृत्य, मनुष्य शरीर भगवान ने इसलिए दिया था वो बोल अब आगे करना नहीं, कृतकृत्य न कृतकृत्य जे न कृतकृत्य भवति, प्राप्त एतत् सर्वकृतकृत्य ब्राह्मणो भवति, इन ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण ब्रह्म स्वरूप अवस्थित भव, देखिए ब्राह्मण शब्द के अर्थ क्या, व्यापकता की भाव स्थिर। 3 नंबर टिप्पणी देखिए, ब्राह्मण का अर्थ क्या कर दिया, ब्रह्मस्वरूप अवस्थित भवतो है ना, व्यापकता की भाव में स्थिर होना, यही ब्राह्मण है, यही ब्राह्मण है ना। इसलिए सब ब्राह्मण के न सब मौनम च अमौनम च निर्वृत्त अथ ब्राह्मण, बाल्यम च प्राकृतम च निर्वृत्त अथ मौनम च अमौनम च निर्वृत्त अथ ब्राह्मण, ये इसका अभिभेद प्रकरण आदो प्रतिज्ञा से मुख शंकर प्रकरण शुरू में प्रतिज्ञा की उसके यहाँ मुखार करते हैं और जाते हैं किमिति लौकिको वैदिको वा गृहोत्सर्ग ब्रह्मणि न भवतः, लोक व्यवहार में जैसे ग्रहण त्याग होता है इस प्रकार व्यापकता की भाव में वो क्यों नहीं होता, तात्रा हो तस्मात है ना, इसको उत्तर में क्या कहा था, तस्मात ब्रह्म समाधि अचुरा है, ब्रह्म व्यापक है, मतलब वो वहाँ पर कोई क्रिया होना संभव नहीं, वो भय नहीं है, इसलिए उक्तम एवं अर्थम उपपाद, जिसको पहले कथन करके आया था, कि समाधि अचल भय
उसी को समा यहाँ पे कि अजाति समतान गठन इस यही भाव है वो है ना, उसको लेकर जो कथन कर रहे थे उसको युक्तिपूर्वक प्रतिपादन करते हैं। या प्रतिपादन करते यंत्र ही विक्रिया तद विषय विषय तथा तत्र मानोपादान शतम जहाँ पे विक्रिया प्रतिक्रिया की विषय होना संभव है वहाँ पे तो धन अथवा त्याग होना संभव है ना। जब ब्रह्म ने विक्रिया अभाव हेतु आह है ना, ब्रह्म में विकार नहीं है, इसलिए कारण क्या है क्योंकि विकार हेतु अन्नस्य अभावात है ना, अपने से भिन्न करके कोई वस्तु विकृत करने के लिए कोई वस्तु है नहीं, और दूसरा क्या हेतु है निरअवयवत्वात सब दो हेतु के अभाव है ना, ये विकार हेतु के विकार हेतु अन्नस्य अभावात अन्न मतलब कुलालादि का अभाव होने के कारण कोई निमित्त कारण नहीं होते, अपने आप भी विकृत नहीं है तो उसको कोई विकृत कर भी नहीं सकता। ठीक है, तस्य विक्रिया अविषयत्व विक्रिया विषयत्व अभावी, ठीक है विक्रिया विषयत्व अभावी यदि हेतु कथन वो विक्रिया की विषय नहीं बनते विषय का और कारण को कहते हैं तस्य ब्रह्मण विक्रिया विषयत्व अभाव विक्रिया की विषय नहीं बनता वह अभाव है, इस विषय अभाव यदि हेतु इस विषय में ही एक हेतु को और कहता है क्या जो कहते हैं निरअवयवत्वाच निरअवयव होने के कारण नौ नंबर टिप्पणी नहीं कहते हैं। नौ नंबर टिप्पणी क्या बोल रहे हैं विक्रिया और विक्रिया विषयत्व अभाव मतलब विक्रिया अयोग्यत्व विक्रिया योग्यत्व अभाव विक्रिया में विकृत होने का योग्यता ही नहीं है उसमें, क्यों नहीं है निरअवयव वस्तु है इसलिए निरअवयव वस्तु के कारण विक्रियाया तद विषयत्वस्य च अभावे परितमः विक्रिया का विक्रियाया षष्ठी वचन रमाया विक्रियाया और तद विषयत्वस्य च और उसकी विषयत्व विक्रिया का विषय है ना, दोनों की अभाव होने पर फलित रिजल्ट क्या मिला फलितमः अतः न तत्र हानोपादाने संभव इसलिए वहाँ पे ग्रंथ बताया दोनों ही होना संभव नहीं है। अब यहाँ पे बोलते हैं अतः द्वितीय पाद अवतार्य व्याचस्पी अब द्वितीय पद के चिंता व्यक्त करना भी करते जब कभी गुरु से लेना देखिए भगवान श्री कृष्ण हमारी हमको चिंता से मुक्त करने के लिए क्या आप कितना बार प्रतिज्ञा किया जो क्षम ये जो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा है तुम्हारे योग क्षम के मैं बहुत मन करूँगा उसके लिए भी तुम चिंता करते योग मतलब अप्राप्त वस्तु की अच्छी चिंता होती है और क्षेत्र मतलब प्राप्त वस्तु की रक्षा ज्ञान और उपादान है ना, हमसे छूट ना जाए मतलब इसका प्राप्त हो जाए शब्द भिन्न प्रयोग किया तो है कि लोग संघ ही अज्ञान होता है यहाँ उपादान जातों का कभी नहीं है। और यदि आप भक्त है तो भगवान को ऊपर छोड़ दो उसको, यदि आप ज्ञान दृष्टि से देखेंगे आत्मा में है ही नहीं कुछ आगे पता जिन भक्त है भगवान को ऊपर छोड़ो चिंता की आवश्यकता है दुश्चिंता मत करो, जितना हम अपने कर्तृत्व को ऊपर अभिमान करेंगे ना उतना दुश्चिंता ग्रस्त होंगे, जितना भगवान के ऊपर निर्भर करके जिएंगे उतना चिंता रहित हो जाएगा 100% बोलो जीवन में अपना करके दिखा जा सकता है कोई भी दुश्चिंत होकर के दिखा सकता है। इसीलिए आगे बोलते हैं कि तृतीय दूसरे पाद द्वितीय पाद हम बता रहे वैचिष्ट द्वितीय पाद को अवगत करके व्याख्या करते चिंता यत्र न विद्यते सर्व प्रकार चिंता न संभव किसी भी प्रकार की चिंता होना संभव ही नहीं है क्यों अमनस्मान है ना, तो मन तो भगवान को दे दिया मन चिंता का विषय चिंता कैसे करे, मन जब हम भगवान को अर्पण कर देंगे वो मन विषय चिंता कैसे कर सकते अमनस्मान मुझे तत्र हानुपादान इसलिए मुझे ये मिल जाए अथवा ये ऐसा ना हो ये हानुपादान की चिंता आएगा कैसे, सब तो भगवान का रूप है ये भक्ति दृष्टि ज्ञान दृष्टि में थोड़ा विचार दृष्टिकोण दोनों में आपको यही लाभ मिलेगा किसी भी प्रकार से देखेंगे तो आपको ये हानुपादान रोकने में या जो क्षण के लिए चिंता करने में भगवान की जैसे निर्भर निर्भर करना होगा ऐसे कर इतना ही है कि हम अपने कर्म को थोड़ा साफ करें अपने कर्म को थोड़ा साफ करें भगवान के ऊपर चिंता नहीं रखते हैं क्योंकि समय कल को अवकाश होगा कल अष्टमी है कल अष्टमी है कल अवकाश होगा आज लास्ट वाला है लास्ट वाला यज्ञ प्रतिहति अगमन शांत महांधकारो
कल अवकाश है, रोज का होना।